सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छी डील्स अपने मोबाइल पे पाते रहें और अपने पैसे बचाते रहें। हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डील जोन्स पर और हम फिर से वापस आ गए आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर की वीडियो लेके। फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट के बिग शॉपिंग डे सेल स्टार्ट हो रही है 19 मार्च से एंड इस सेल पे SBI वाला ऑफर आया हुआ है एंड आज की इस वीडियो में आपको इसी ऑफर के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर को बिग शॉपिंग डे सेल पे कैसे अवेल करना है एंड ये ऑफर कौन कौन से प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड, चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं बिग शॉपिंग डे सेल के SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर के बारे में। फ्रेंड, फ्लिपकार्ट में SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर 19 मार्च को स्टार्ट होगा एंड ये चलेगा 22 मार्च तक। लेकिन फ्रेंड, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है तो ये वाला ऑफर आपके लिए 18 मार्च को रात के 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आप एक बार और नोट कर लीजिए, ये वाला ऑफर SBI क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल होने वाला है एंड अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो ये आप इस ऑफर का लाभ नहीं ले पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, जो ये फ्लिपकार्ट की बिग शॉपिंग डे सेल पे ऑफर आया हुआ है ये बस SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ही है और जो SBI के डेबिट कार्ड यूजर्स है उनको इस ऑफर का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो फ्रेंड, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको फ्लिपकार्ट की बिग शॉपिंग डे सेल पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, SBI के क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिग शॉपिंग डे सेल पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। फ्रेंड, इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है ना, आपको मिनिमम कार्ड वैल्यू रखनी है 4999 की एंड एक कार्ड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिलेगा वो होगा 1500 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड, इसे आप इंपॉर्टेंट चीजें इसे आप एक बार और नोट कर लीजिए, अगर आपको ऑफर अवेल करना है तो आपकी मिनिमम कार्ड वैल्यू होनी चाहिए 4999 की। मीन्स आपको मिनिमम शॉपिंग करनी है 4999 की, वो भी एक टाइम पे, और आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा पर कार्ड पे वो होगा 1500 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड, आपको 1500 रुपीज से ऊपर का डिस्काउंट एक कार्ड पे नहीं मिल पाएगा। लेकिन फ्रेंड, अगर आप ग्रोसरीज के आइटम परचेस करते हो तो आपको मिनिमम कार्ड वैल्यू रखनी होगी 1500 रुपीज की। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप ग्रोसरी वाले कैटेगरी से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वहां पे अगर आपकी मिनिमम कार्ड वैल्यू 1500 रुपीज है तभी भी आपको ऑफर मिल जाएगा। एंड फ्रेंड, अगर आप ट्रेवल वाले सेक्शन से ये ऑफर अवेल करना चाहते हो तो आपको ट्रेवल बुकिंग में ये ऑफर अवेल करने के लिए एक कूपन कोड यूज करना होगा, वो होगा SBI CPSL। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है या होटल बुक करना है फ्लिपकार्ट के थ्रू तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा एंड कूपन कोड होने वाला है SBI CPSL। फ्रेंड, एक बार आप और कूपन कोड को नोट कर लीजिए, कूपन कोड है SBI CPSL। एंड फ्रेंड, ये ऑफर आपको EMI एंड एक्सचेंज ऑफर के साथ भी मिल जाएगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि आपकी मिनिमम परचेज वैल्यू 4099 होनी चाहिए और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को EMI के थ्रू परचेज करते हैं या एक्सचेंज ऑफर के थ्रू परचेज करते हैं तभी भी आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। एंड फ्रेंड, आप एक ही कार्ड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट आपको ये चीज ध्यान पे रखनी है कि एक कार्ड पे आपको 1500 रुपीज से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वाला बैंक ऑफर ना कुछ प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन सी कैटेगरी पे आपको नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड, अगर आप फ्लिपकार्ट से गिफ्ट वाउचर परचेस करते हो, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर परचेस करते हो तो उस पर आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। या अगर आप गोदरेज के जो फर्नीचर है उनको परचेस करते हो तो उस पर भी आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। एंड फ्रेंड, अगर आप अपना फोन रिचार्ज करते हो फ्लिपकार्ट से तो उस पर भी आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। एंड सैमसंग के कुछ सेलेक्टेड मोबाइल फोन्स हैं उन पर भी ऑफर अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फ्रेंड, जो गोकी का फिटनेस बैंड है या ट्रैकर है उस पर भी आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। एंड फ्रेंड, अगर आप एप्पल की वॉच खरीदते हो तो उस पर भी आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। एंड फ्रेंड, अगर आप इन्फिनिक्स का हॉट 8 या इन्फिनिक्स का S5 Pro परचेस करते हो तो उस पर भी ऑफर नहीं मिल पाएगा। एंड फ्रेंड, अगर आप रियलमी के कुछ फोन्स हैं उनको भी परचेस नहीं करोगे उनको भी परचेस करोगे तो आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। हम आपको बता देते हैं कि रियलमी के कौन कौन से फोन्स पे ऑफर अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। फ्रेंड, अगर आप रियलमी का C2, C3, रियलमी का 5S, रियलमी 5i या रेडमी 8 परचेस करते हो तो उन पर भी आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। एंड फ्रेंड, आईफोन के 11 सीरीज एंड आईफोन के XR पे भी ऑफर अप्लीकेबल नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप आईफोन का XR परचेस करते हो या आईफोन का आईफोन 11 प्रो मैक्स परचेस करते हो या आईफोन 11 प्रो परचेस करते हो या आईफोन 11 परचेस करते हो
तो भी आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। एंड फ्रेंड, अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स परचेस करते हो तो भी आपको ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड वाला ऑफर नहीं मिल पाएगा। बाकी फ्रेंड, सारे मोबाइल फोन्स पे एंड सारी कैटेगरी पे ये ऑफर अप्लीकेबल होने वाला है। सो फ्रेंड, यदि फ्लिपकार्ट के एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑफर की डिटेल्स, अगर आपके माइंड पे कोई भी डाउट हो या अगर आपको कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपसे कोई भी सेल की वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।